हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी व्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करें। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो गाइस, अभी हो गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको ऊपर मेरा पंखा दिख रहा है तो वो पंखा हो गया है हमारा खराब। झूठ बोल रहा है। सही है। पहले हुआ क्या था इसमें कि जब हम इसको ऑन करते थे तो ये रुकता था, फिर चलता था, फिर रुकता था, फिर चलता था। अब हमने बोला पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब वो पुराने वाले जो पंखे हुआ करते थे जिसमें कैपेसिटर लगता था, तो उसमें क्या करते थे हम लोग कि उसको चेंज कर लेते थे, वो सही हो जाता था। अब ये क्या है, ये 12 वाट का पंखा है। सही है, आप देख रहे हैं, पर ये 12 वाट का है। सही है। अब इसमें क्या है, इसमें पूरी मशीन है जो कि जल चुकी है, क्योंकि इसमें अचानक से एक धमाका हुआ धूम करके सुबह सुबह, तो हम लोग डर गए। फिर हमने फौरन जाके पंखा बंद कर दिया। उसके बाद ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ओ, ओ, ओ। तो अभी ये है कि ये अम्मी का रूम है, तो अम्मी को यहीं नींद आती है, यहीं सुकून मिलता है। तो अब करना क्या है कि हमने ड्राइंग रूम का पंखा इधर लगाना है और ये पंखा हम निकाल के रख देंगे, क्योंकि ड्राइंग रूम में इतनी बैठक नहीं होती हम लोगों की। सही है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, सीढ़ी आ गई है। अब सीढ़ी पर चढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कीजिए बातें। अच्छा भाई, सीढ़ी पे तो चढ़ गए हम। अब करना क्या है कि मेरा हाथ जो है वो इतना है, सही, वो मुझे एक और स्टेप चढ़ना पड़ेगा, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर हो रहा है। सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो वाली जो साइड टेबल है उसको निकालना पड़ेगा, बेड को थोड़ा उस तरफ खिसकाना पड़ेगा। उसके बाद मैं बीच में आ जाऊँगा, सीढ़ी को मतलब यहाँ कर लेंगे बीच में, और फिर मेरा हाथ आराम से चला जाएगा। सही है, तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। हिला तक नहीं। हाँ तो भाई, माँ क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप बच्चे ने फंदा उतार दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो गाइस, अम्मी खुश है बहुत। अम्मी, आज आपने खाने में क्या बनाया? आज मैंने बनाया दाल चावल। दाल चावल और टॉप ऑफ के साथ बाजार की जो आते टॉप ऑफ चिप्स वगैरह। अच्छा अच्छा, हाँ चलो सही है। लेकिन वो तो हमने दिन में खाया था ना, रात में क्या बनाया? अंडा पराठा। सबसे अच्छा, इसी बात पे हाथ मिला लो, बहुत आला खाना बनाया मैंने। अंडा रोटी सबसे हल्का फुल्का, और सबसे हल्का फुल्का यूँ हजम हो गया था चुटके में। यहाँ खाओ, वहाँ निकालो। कैसे अपमानजनक बातें कर रहा है ये। सो गाइस, ये देखें, ये खुर्शीद फैन की मैयत यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में चीजें जब खराब हो जाती तो वो ठीक नहीं होती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही है, ये शायद हो जाए 12 वाट का फैन, शायद हो जाए, इस पे उम्मीद तो नहीं है। लेकिन ये अगर हमारे कमरे में लगा हुआ होता तो ये कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं होता, तो निकालना लाजमी था इसका। सही है, अगर ये हमारे कमरे में लगा हुआ होता और हम बता देते खराब हो गया, तो ये कभी भी ठीक नहीं होता। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद शायद ठीक होता। सही है, लेट होता है, मतलब हर काम लेट होता है, और कभी कभी होता भी नहीं है। समझ रहे हो आप। तो अब करना क्या है कि अभी हमने डेंगू का पंखा उतारना है। सही है, डेंगू का पंखा उतार के फिर हमने यहाँ लगाना है, और इसको खोल के और अच्छी तरीके से पैक करके साइड में रख देना है। सही है, ड्राइंग रूम में पंखा नहीं होगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में इतनी बैठक होती भी नहीं है। सही है, हम लोग भी नहीं बैठते हैं। सही है, हम लोग अपने एक कमरे में रहते हैं और एक कमरे का पंखा चलाते हैं, और एक वहीं की लाइट वगैरह जो जलती है वहीं की जलती है। सही है, तो अब वहाँ का पंखा हमारा खराब हो गया, ड्राइंग रूम में ही निकालना पड़ेगा, क्या करें।
यहाँ पे ये होता है कि अम्मी काम करती है किचन का पंखा निकाल नहीं सकते। मेरे कमरे का जो पंखा है वो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो 80 वॉट का है, वो बहुत कम चलता है। अगर 30 दिन के हिसाब से लगाया जाए, 30 दिन का हिसाब लगाया जाए तो वो एक दिन चला होगा, वो भी मेहमान वगैरह जब आते हैं, टोटल करके मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन चला होगा। सही है, क्योंकि वहाँ पर मेरी बैठक ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादातर जब सफाई होती है जब भी पंखा चलता है, पोछा वगैरह लगता है जब भी पंखा चलता है वहाँ का। सही है, तो बस ये है कि अब जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और अम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है। अम्मी ने बोला बेटा जल्दी जल्दी पंखा यहाँ पे लगाओ ताकि मैं आराम कर सकूँ। तो मैंने जी अम्मी बिल्कुल बिल्कुल सही, फौरन लगाएंगे हम पंखा। ओके, खुशी फैन बेकार हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। टेबल घसीटो, सही होगा। हाँ, डिस्टेंस बंद करो वहां से, पहली बंद है। खुर्शी फैन, खुर्शी फैन ना लगाना कभी तुम खुर्शी फैन। करेंगे यहाँ पंखा नहीं होगा तो सही ला। वाह, ट्रॉफी जीती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खुर्शी फैन ना लगाना कभी। अच्छा, ओह माय गॉड, खुर्शीद भाई नाराज हो जाएंगे। वो तो निकालेंगे तेरे गुट्टा ऊपर का। आड़ा करके लेके चलो, आड़ा। तो गाइस, गलती हो गई कि मैंने पंखे को ला के बिस्तर पे रख दिया है। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। इसको हम उठा के नीचे रखेंगे ताकि इसको मैं साफ कर सकूं। अरे भैया, अमी प्लीज हैंडल माय कैमरा। ओ सॉरी, आप मेरा कैमरा पकड़ लें। नहीं A few moments later. खुर्शीद फैन ना लगाएं कभी। खुर्शीद फैन पंखा है सस्ता और हवा भी सस्ती, वो तो इतने पसीने पे लग रही है ठंडी ठंडी। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं। पंखा ऑन हो गया है, टूट आवाज आई आपको तो ये चल गया है। सही है, इसी तरीके से अम्मी का जो पहले वाला पंखा जो यहाँ पे लगा हुआ था वो ऐसे होने पे, आवाज आने पे, टूट की आवाज आने पे वो रुकता था फिर चलता था, रुकता था फिर चलता था। तीन दिन से हो रहा था, तीन चार दिन से, फिर आज सुबह धम करके धमाका हुआ उसमें और वो बंद हो गया। और माशाल्लाह ये हमने लगा दिया है और अब अम्मी यहाँ पे आराम से लेट पाएंगी। सही है, और अम्मी क्या बोलना बाकी था? थैंक यू। नहीं, क्या बोल रहा था मैं अभी, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं। और अभी क्या हाल है, कैसे आपको कैसा लगा? ठीक ठाक, बहुत अच्छा लगा यार। रोना, रात को सोते कैसे? हाँ, बिजली बनी है मेरे अंग अंग में, हाथ लगाओ तो पंखा चल जाएगा। है मेरे अंग अंग में, हाथ लगाओ तो पंखा चल जाएगा। चल गया। खुर्शीद फैन मत लगाना कभी। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं?
सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नहाने क्योंकि खुर्शीद की दस्त मेरे मुंह पे गिरी है। सही है। ये खुर्शीद फैन, बस क्या बोलूँ, ये खुर्शीद खुर्शीद बताता हूँ तेरे को। तो गाइस पहले मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले नहाऊंगा। दस्त गिरी है खुर्शीद की, देखो काली काली दस्त है, काम भी काले और दस्त भी काले क्योंकि ये है खुर्शीद फैन। चलो आओ नहा चलते, आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ नहाने के बाद। बस दाने बहुत निकले हुए यार, यहाँ पे भी बहुत हैं, यहाँ पे भी बहुत हैं, पीठ पूरी भरी हुई है, घमोली दाने बहुत निकल रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कोशिश करें यार ज्यादा से ज्यादा पानी बहुत पिए, बस पानी, नींबू पानी, पानी नींबू पानी, गन्ने का रस, ये सब पिए, बस लिक्विड ज़्यादा रहें, लिक्विड ज़्यादा पिए, सॉरी। तो अब ये है कि गाइस अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सही है, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, अम्मी मेरे लिए अंडा तल रही है। सही है, और फिर अब ये सेटिंग पूरी बिगड़ गई है, सेटिंग सही है, ये सेटिंग भी सही करनी है। सही है, अभी मैं खाना खा लूँ, एनर्जी आ जाए थोड़ी सी, उसके बाद ये सब काम करेंगे। सही है, तो गाइस आप अम्मी को देख सकते हैं और अम्मी बड़ी परेशान हो गई हैं, बेचारी गर्मी में काम कर रही थी। अब ये है कि अंडा लेकर आ गई, अम्मी जल्दी से मुझे खिला दो फिर अपना खाना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। सही है, जल्दी जल्दी खिला दो मुझे भाई, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। सर्दी तो लगाओ, हाँ सर्दी लगाओ, ज़रा फट गई सर्दी सारी। बहुत मज़े की चाय और अंडा भी बहुत मज़े का है। आज फर्स्ट टाइम नहीं, हाँ फर्स्ट टाइम मैंने काली मिर्च छिड़क के खाया है, बहुत मज़े का लग रहा है। अम्मी आप कब से काली मिर्च खाती हैं? ये पता नहीं, मैं तो काली मिर्च नहीं, दालचीनी भी खाती थी और काली मिर्च भी खाती। अच्छा, दालचीनी से क्या होता है? दालचीनी से अंदर की जितनी चर्बी है पिघलती है। क्या बात है, दालचीनी तो खानी चाहिए। और काली मिर्च? काली मिर्च भी बहुत अच्छी है, आँखों की रोशनी तेज होती है उससे। मतलब मैं सुपरमैन की तरह आंखों से रोशनी देखूंगा फिर? बात तो सही है। A few moments later. So guys, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। सही है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, पानी पीते रहिएगा, गर्मी बहुत है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल।